मनीषा रानी और टोनी कक्कड़ का एक और बहुत ही प्यारा, जिसे कहा जाए ऑफिशियल विजुअलाइजर आया है तू दुनिया मेरी सॉन्ग पर। 27 मिनट पहले आया है, हाल ही में जो मनीषा का लुक सामने आया था उसी लुक में अब टोनी और मनीषा का ये गाना आया है तू दुनिया मेरी। ये लोग जब सेट पर गए थे इंडियाज़ गॉट टैलेंट के, मुझे लगता है ये उसी समय का पूरा शूट है, और जो मेकिंग था जमुना पार का उसके कुछ शॉट्स मिलाकर जो है किए हुए हैं, और 28 मिनट में इसको 57K व्यूज़ मिले हैं। कमेंट्स की मैं बात करूं, कमेंट्स में लोग लिखते हैं वेल रिटन एंड वेल सैंग। मैं बता दूं बहुत ही मीनिंगफुल और सोलफुल सॉन्ग है जिसको टोनी कक्कड़ ने लिखा है कि तू दुनिया मेरी। म्यूज़िक भी टोनी कक्कड़ का है, लिरिक्स भी टोनी कक्कड़ के हैं, और इस पे ये लगभग 3.75 मिनट का गाना है। वैनिटी वैन में फिल्माया हुआ गाना लग रहा है, पर गाने की सबसे खूबसूरत बात वही टोनी और मनीषा की केमिस्ट्री है। बहुत ही अमेजिंग केमिस्ट्री है इन दोनों की। मतलब आप चलिए बिग बॉस के घर में एक दूसरे को जानते थे, एक कम्फर्ट जोन बन गया था, और उसके बाद वो केमिस्ट्री स्क्रीन पर दिखे तो बात अलग होती है, लेकिन आप पहली बार जब मिल रहे हैं, टोनी कक्कड़ घर के अंदर ज़रूर गए थे लेकिन एज अ गेस्ट गए थे कुछ घंटों के लिए, लेकिन उसके बाद बाहर जब आए आपने गाने परफॉर्म किए साथ में, तो वो जो केमिस्ट्री दिख रही है इतनी ज़्यादा खूबसूरत, वो लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर रही है, और इसीलिए टोनीशा ये तुरंत हैशटैग भी बन गया था। तो अब लोग लिख रहे हैं दिस इज़ नॉट अ सॉन्ग, दिस इज़ अ इमोशन एक्सप्रेस बाय टोनी कक्कड़ इन वर्ड्स। यानी कि टोनी कक्कड़ वाकई में मनीषा को पसंद करने लग गए हैं, और ये उसका एक्सप्रेशन ही है जो अपने शब्दों में वो बयां कर रहा है। एक लिख रहे हैं वेल रिटन एंड वेल सैंग, आफ्टर सो लॉन्ग आई हैव हर्ड टोनी सिंगिंग लाइक दिस। जो पैपी नंबर वो गाते हैं उससे अलग ये ठहराव वाला गीत है, तो ज़रूर सुनिएगा। तो आपको क्या लगता है? और एक तो लिख रहे हैं कि ये सॉन्ग नहीं है, ये तो लव लेटर है टोनी का मनीषा को। तो क्या वाकई में टोनी को मनीषा से प्यार हो गया? आपको याद होगा व्लॉग में बोली भी थी मनीषा, टोनी तो हमारे प्यार में पागल हो गया, और अभिषेक उसको ऐसे देखने लग गया था कि बोल क्या रही है। तो क्या ये सिर्फ मस्ती मस्ती में है, या वाकई में इनकी केमिस्ट्री देखकर लगता है कि कुछ तो बात ज़रूर है? तो आप क्या कहेंगे कमेंट में ज़रूर बताएं।